हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ इस तरह की अर्बन ग्राउंड द्वारा ये फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ लाइटरूम की सहायता से एकदम इजी तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह की फोटो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपनी फोटो एडिटिंग। अब सबसे पहले क्या करना है, अपने वो लाइटरूम ओपन करना है। लाइटरूम में आने के बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड फोटो पर चले जाना है। फिर यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके फाइल वाले ऑप्शन पे अपने को जाना है। देन जिस फोटो को अपने को एडिटिंग करनी है उस फोटो को यहाँ से अपने को सिलेक्ट करना है। अब अपनी जो फोटो है वो यहाँ पे ऑल फोटोज़ में ऐड हो चुकी है तो ऑल फोटोज़ पर क्लिक करना है। देन इस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब अपनी जो फोटो है वो लाइटरूम के अंदर यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से अपने को टूल बार को स्क्रॉल करना है और यहाँ से अपने को लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। अब यहाँ से अपने को फोटो का एक्सपोजर सेट करना है तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। इसको मैं बढ़ाकर प्लस की तरफ इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 32। अब यहाँ से मैं कॉन्ट्रास्ट को प्लस की तरफ बढ़ाऊंगा, इसको मैं बढ़ाकर यहाँ से कर देता हूँ 14। अब ये हाईलाइट को यहाँ से मैं माइनस की तरफ लेके जाऊंगा, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 6। अब यहाँ से शेडो को मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा प्लस की तरफ, इसको बढ़ाकर मैं यहाँ से कर देता हूँ 52। अब वाइट्स को मैं यहाँ से करूँगा प्लस की तरफ बढ़ाऊँगा, इसको मैं बढ़ाकर यहाँ पे कर देता हूँ 2। ब्लैक्स को माइनस की तरफ लेके जाएंगे, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 11। इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ से अपने को जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको मैं यहाँ से बढ़ाकर कर देता हूँ 22। अब यहाँ से टिंट को बढ़ाएंगे, इसको मैं बढ़ाकर यहाँ से कर देता हूँ 1। अब यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे, इसको बढ़ा के यहाँ से कर देते हैं अपन 28। अब सेचुरेशन को यहाँ से माइनस की तरफ लेके जाएंगे, इसको यहाँ से कर देते हैं 13। अब इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ से अपने को जाना है कलर मिक्सिंग वाले ऑप्शन पे। अब फर्स्ट यहाँ पे रेड कलर है तो इसकी मैं लुमिनेंस को यहाँ से बढ़ाऊँगा, इसको मैं बढ़ाकर यहाँ से कर देता हूँ 32। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर पे चलते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद खो को मैं माइनस की तरफ बढ़ाऊँगा, इसको मैं बढ़ाकर यहाँ से कर देता हूँ 14। सेचुरेशन को माइनस की तरफ लेके जाएंगे, इसको यहाँ से कर देते हैं 11। लुमिनेंस को यहाँ से माइनस की तरफ करेंगे, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 19। अब चलते हैं यहाँ से येलो कलर पे। अब यहाँ से सेचुरेशन को लेके जाएंगे माइनस की तरफ, इसको यहाँ से कर देते हैं 81। लुमिनेंस को यहाँ पे माइनस की तरफ लेके जाएंगे, इसको यहाँ से कर देते हैं 29। अब यहाँ से जाना है ग्रीन कलर पे। अब ग्रीन कलर की हु को मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा, इसको मैं बढ़ाकर यहाँ से कर देता हूँ 23। सेचुरेशन को मैं 100 माइनस करूँगा। लुमिनेंसी को यहाँ पे माइनस की तरफ बढ़ाना है, इसको बढ़ाकर यहाँ से कर देना है 35। अब चलते हैं स्काई ब्लू पे। अब यहाँ से हु को लेके जाएंगे प्लस की तरफ, इसको मैं प्लस की तरफ बढ़ा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से करूँगा 43। सेचुरेशन को मैं करूँगा माइनस की तरफ, इसको यहाँ से कर देते हैं 36। लुमिनेंसी को यहाँ पे प्लस की तरफ बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाकर यहाँ से कर देते हैं 14। अब चलते हैं ब्लू कलर पे। अब ब्लू कलर के हुक को माइनस की तरफ बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाकर यहाँ से कर देते हैं 16। सेचुरेशन को माइनस की तरफ करेंगे, इसको यहाँ से कर देते हैं 44। लुमिनेंसी को प्लस की तरफ बढ़ाएंगे, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 7। अब यहाँ से चलना है अपने को पर्पल कलर पे। अब यहाँ से हो को माइनस की तरफ बढ़ाना है अपने को, इसको बढ़ा के यहाँ से कर देते हैं 70। ठीक है, अब इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ से इसको करना है डन। अब यहाँ से अपने को जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ से इसको टेक्सचर को करना है माइनस की तरफ, इसको यहाँ से मैं रखूँगा 7। क्लैरिटी को यहाँ से बढ़ाना है, इसको बढ़ाकर यहाँ से कर देते हैं 8। डेजी को यहाँ से बढ़ाना है, इसको बढ़ाकर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50। अब यहाँ से विगनेट को माइनस की तरफ करेंगे, इसको मैं यहाँ से माइनस की तरफ कर देता हूँ 19। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ से मिड पॉइंट को मैं सेट कर देता हूँ, इसको ओपन करेंगे माइनस की तरफ सेट, इसको यहाँ से कर देते हैं 6। अब फेदर को यहाँ से बढ़ाएंगे अपन, फेदर को माइनस की तरफ बढ़ा के इसको कर देते हैं यहाँ से 44। अब राउंडनेस को यहाँ से बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाकर यहाँ से कर देते हैं 16।
अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद यहाँ से अपने को चलना है डिटेलिंग वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ से इसकी शार्पनेस को मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं बढ़ाकर यहाँ से कर देता हूँ 40। यहाँ से मार्क्स को बढ़ाएंगे, इसको मैं बढ़ाकर यहाँ से कर देता हूँ 98। अब यहाँ से नॉइज रेडिएशन को बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से बढ़ा के कर देते हैं 28। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ से अपने को कॉन्ट्रास्ट सेट करना है, इसको मैं बढ़ाकर यहाँ पे कर देता हूँ 7। कलर नॉइज़ को यहाँ से बढ़ाएंगे, इसको मैं यहाँ से बढ़ाकर कर देता हूँ 25। ठीक है, अब यहाँ तक अपना कंप्लीट होने के बाद अब वापस से अपने को यहाँ से जाना है कलर वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ से अपने को जाना है कलर ग्रेडिंग पे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जैसे जैसे पॉइंट में सेट कर रहा हूँ सेम आपको भी यहाँ पे सेट करना है। सबसे पहले अपने को यहाँ पे शेडो वाले ऑप्शन पे आ जाना है, उसके बाद यहाँ से बीच वाले पॉइंट को अपने को सेट करना है, इसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे 28। अब नीचे वाले पॉइंट से मैं सेट कर देता हूँ इसको 219। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से ब्लेंडिंग को अपने को करना है 100 और बैलेंस को भी यहाँ से कर देना है अपने को 100। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करके तीसरे नंबर वाले बिंदु पे यहाँ पे जाना है और हाईलाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद बीच वाले पॉइंट को भी यहाँ से भी सेट करना है, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 7 और नीचे वाले बिंदु से मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 201। ठीक है, अब जो नीचे है ब्लेडिंग अपने को 100 करना है और बैलेंस को भी 100 रखना है। अब यहाँ से अपने को इसको करना है डन। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फिर अपने को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और अपने को यहाँ पे जाना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आने के बाद बेसिक वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ से एथिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके 5 नंबर एथिक्स को यहाँ पे अपने को यूज़ करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको करना है ओके। अब यहाँ से अपने को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सेव टू डिवाइस अपने को करना है। अब अपनी जो फोटो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे जो गैलरी है उसके अंदर यहाँ से सेव हो चुकी है। अब यहाँ से इसको करना है ओके। तो फ्रेंड्स, अपनी जो फोटो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे एडिटिंग हो चुकी है। एडिटिंग से पहले अपनी जो फोटो थी वो कुछ इस तरह की थी, तो एडिटिंग के बाद अपनी जो फोटो है वो इस तरह की हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको एडिटिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर।